मोहसिन खान और शोएब मलिक के बाद फास्ट बॉलर हसन अली भी भारतीय सीना को दिल दे बैठे। हसन अली हरियाणा की लड़की के हाथों क्लीन बोल हो गए। शाम आरजू दुबई में फजाई कंपनी में फ्लाइट इंजीनियर है। दोनों की 20 अगस्त को शादी का इम्कान। सोशल मीडिया पर खबर का चर्चा। हसन अली के अहले खाना ने भी खबर की तस्दीक कर दी। हसन अली का कहना है बातचीत चल रही है, अभी रिश्ता कन्फर्म नहीं। पाक पतन राशि अलॉटमेंट केस एंटी करप्शन की नवाज शरीफ से तहकीकात की अंदरूनी कहानी। 24 न्यूज पर साबिक वजीर आजम से सवा घंटा तहकीकात की गई। तहकीकाती टीम ने 1985 के कागजात नवाज शरीफ के सामने रखे। क्या अलॉटमेंट के लिए अखबार में इश्तिहार दिया था? जमीन किन बुनियादों पर अलॉटमेंट की गई? इख्तियारात से तजावज नहीं किया? तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए मगर तफसीलात याद नहीं? नवाज शरीफ का जवाब। इसहाक डार के खिलाफ जायद असासा जात केस में अहम पेशरफ। नैब लाहौर को मुलजिम इसहाक डार के खिलाफ अहम शवाहिद मिल गए। बाकायदा तहकीकात का आगाज। इसहाक डार के खिलाफ केस में मजीद अहम पेशरफ होने की तवक्को। NICL करप्शन केस सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी मुलजिम मोहसिन हबीब बड़ाइच को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस एजाजुल अहसन ने करार दिया है मोहसिन हबीब बड़े स्कैंडल का मुलजिम है, अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? कायम मुकाम चीफ जस्टिस अजमत सईद ने इस्तफसार किया कि मोहसिन हबीब कहाँ है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बोले कि मुलजिम पाकिस्तान में ही है। पाक अफगान सरहदी इलाका स्पेन बोल्डक में धमाका, 3 अफराद जान बहक, 23 जख्मी। अफगान मीडिया के मुताबिक धमाके में जख्मी होने वालों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी तैयारा हादसे में एक ही घर के 8 अफराद भी शहीद हुए। अब्दुल हमीद नामी शहरी के 8 बच्चे शहीद हुए जिनमें 3 लड़कियां 5 लड़के शामिल, मोड़ा कालू के रिहायशी थे। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद की तैयारियां तेज। राजा जफर लक की जेर सदारत अपोजिशन का इजलास, तमाम जमातों के सेनेटर्स की शिरकत। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद को कामयाब बनाने पर मुशावरत। शहीद रहमान का कहना है अपोजिशन के नंबर पूरे हैं। और इस्लामाबाद में CDA का मुजाकरात में इमाम बरी की सरकारी राजी पर वागुजार कराने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन। गैर कानूनी तामीरात के खात्मे के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया।